हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने अपने रैबिट को आज खोला हुआ है और देखिए कि ये हमने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है दोस्तों, और हमारा रैबिट इस तुलसी के पौधे तक को नहीं छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कैसे काट रहा है, और पत्तियां तो पत्तियां, इसकी टहनियों को भी काट दे रहा है दोस्तों। इतने नुकीले इसके दांत हैं, आप देख सकते हैं। सो इसे मना करते हैं हम। ये हमारी फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, इसलिए थोड़ा सा हमें डर रहता है कि कहीं दब ना जाए। देखिए, तुलसी के पौधे का एक टहनी इसने काट लिया दोस्तों, और काटने के साथ इसे सफाचट भी कर गई, खा गई पूरा का पूरा। तो इसे उतारते हैं दोस्तों हम नीचे। चल आ जा नीचे, आ जा नीचे, आ जा, चल नीचे, आ जा नीचे, नीचे नीचे चल। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने नीचे उतार दिया इसे, फिर भी कैसे, देखिए फिर चली गई। इसे नीचे उतारते हैं फिर से। ओ चल नीचे। हाँ, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं कि उसे क्या खिला रहा है, क्योंकि इन्हें सब दाना वगैरह और चारा वगैरह हम ही देते रहते हैं। तो जहाँ भी हम बैठते हैं ये वहीं आ जाते हैं दोस्तों कि क्या खिला रहा है एक को, और ये तो मान ही नहीं रही दोस्तों। इसे फिर पकड़ते हैं या उफ। आप देख सकते हैं कि एक तुलसी का टहनी इसने यहाँ पे रखा हुआ है काट के, और ये हमारा मेल रैबिट है दोस्तों, जिसे हमने अभी अभी अलग एक पिंजरे में बंद रखा था, क्योंकि ये जो है, जो हमारी तीनों रैबिट हैं, दो ब्लैक और एक जो वाइट, ये दोस्तों फीमेल है, और चूंकि ये एक मेल रैबिट है, परेशान करता रहता है सभी रैबिट्स को, आप देख भी सकते हैं। दोस्तों आज हम अपने रैबिट्स को गाजर देने वाले हैं खाने के लिए। दोस्तों हम कुछ गाजर लाए हैं, और इससे पहले हमने अपने रैबिट्स को कभी गाजर खिलाया नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं कि इन्हें गाजर पसंद आता है कि नहीं आता है। आप देख सकते हैं मस्ती कर रहे हैं, इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों इनका दूसरा घर है, पिंजरे के बाद ये इनका दूसरा घर है, इसमें जाके छिप जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक जो रैबिट है ब्लैक वाला, वो अंदर छिपने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों हम चलते हैं और इनके लिए एक गाजर ले आते हैं, जो कि हमने रूम में रखा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा इनका गाजर, हमने ले लिया है गाजर। अब चलते हैं बाहर। दोस्तों ये मेरा पीछा करते रहते हैं, जो है कि अभी अभी मैं रूम में गया था, तो आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे साथ रूम में चले गए थे, अंदर है। दिखाते हैं हम आपको, देख सकते हैं, इन्हें बाहर बुलाते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी वो रूम में है, और हमारा एक ब्लैक रैबिट, आप देख सकते हैं कि गाजर खाना स्टार्ट कर दिया। बाकी के रैबिट्स रूम में हैं दोस्तों, उन्हें भी ले आते हैं। तो हम सभी रैबिट को ले आए गाजर के पास, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक गाजर में ये दो लोग लगे हुए हैं, और एक जो है हमारी फीमेल रैबिट, इनके पास से एक गाजर लेके भाग गई। आप देख सकते हैं, मतलब इसने उठाया है यहाँ से,
यहाँ से उसने गाजर उठाया और लेके आप देख सकते हैं सीधा वहाँ चली गई, इसलिए ताकि दूसरे रैबिट उसका गाजर ना खाएं। चूँकि दोस्तों ये प्रेग्नेंट है इसलिए इसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए ये अपना खाना इनसे दूर ले जाकर खाती है। दोस्तों आप देख भी सकते हैं, इसके पास चलते हैं और देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं गाजर खाने में मस्त है, कहें तो व्यस्त है पूरा। आप देख सकते हैं दोस्तों और बहुत मज़े से गाजर खा रही है। बाकी हमारे जो तीन रैबिट हैं दोस्तों उन्हें शायद गाजर पसंद नहीं आ रहा, आपको दिखाते हैं। ये रहे हमारे तीनों रैबिट और इन्हें जो है गाजर पसंद नहीं आ रहा है, इन्होंने गाजर छोड़ दिया है। तो फिर से हम इन्हें देते हैं और देखते हैं इन्हें पसंद दोबारा से आता है या क्या करते हैं। हमारा बड़ा वाला मेल रैबिट है वो गाजर खा रहा है और बाकी जो हमारे छोटे रैबिट हैं ये मेरे कैमरे के पास आकर चेक कर रहे हैं कि ये कुछ खाने को लाया है कि नहीं लाया है। देखिए अभी दूर चले गए। तो दोस्तों गाजर केवल मेरी जो है फीमेल रैबिट है वही खा रही है, बाकी के जो रैबिट हैं उन्हें शायद गाजर पसंद नहीं आ रहा है। क्या दोस्तों मैंने इससे पहले कभी इन्हें गाजर दिया ही नहीं था तो इसलिए इन्हें पता भी नहीं है, आज पहली बार हमने गाजर दिया इन्हें। और आप देख सकते हैं ये वाली जो है हमारी फीमेल रैबिट है और इसने थोड़ा बहुत खाया है गाजर, बाकी के रैबिट्स ने नहीं खाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इन्होंने मेरे तुलसी के पौधे को पूरी तरह से नष्ट करने पर लगे हुए हैं। दोस्तों बार बार इन्हें यहाँ से हटा रहे हैं और बार बार ये जाकर तुलसी के पौधे ही खाए जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है इनका क्या करे, तुलसी का पौधा यहाँ से हटा दे कि इन्हें ही हटा दे, बट इन्हें तो नहीं हटाएंगे तुलसी का पौधा, कोशिश करते हैं। देखिए अब ये दूसरा वाला भी जा रहा है दोस्तों, अब देखिएगा कैसे जंप करेगा। ये देखिए अब पहुँच गए हैं, तो हम भी पहुँचते हैं अदरवाइज़ ये तो ख़त्म ही कर देंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।